दोस्तों आज हम आपको बूढ़ी माँ और दुबई में रहने वाले जवान बेटे का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और यही नहीं बल्कि आप फूट फूट कर रोने लगोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और हो सके तो इसे अपने कुछ दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं यह वाकया एक सिराज नाम के लड़के का है जो पिछले कई सालों से अपने बीवी बच्चों के साथ में दुबई में रह रहा है। एक दिन सिराज ने अपनी बूढ़ी माँ को फोन किया और कहने लगा, हेलो माँ, मैं सिराज बोल रहा हूँ, कैसी हो माँ? तो बेटे की आवाज़ सुनकर माँ का दिल बाग बाग हो गया, कहने लगी कि बेटा मैं ठीक हूँ, यह बताओ कि तुम और बहू कैसे हो? तो सिराज ने कहा कि माँ हम दोनों ठीक है। फिर कहने लगा, माँ हमें आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने घर आ रहा हूँ तुम्हें लेने। हाँ माँ, अब हम सब साथ में ही रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही थी कि अब अम्मी को भी यहाँ दुबई में ले आओ, वहाँ पर वो अकेली बहुत परेशान हो रही होगी। हेलो माँ, सुन रही हो ना तुम? तो माँ ने कहा कि हाँ बेटे। यह सुनकर बूढ़ी माँ की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। अपनी जिंदगी के 70 साल गुजार चुकी बूढ़ी माँ ने जल्दी से अपने पल्लू से अपने आंसू पोंछे और फिर बेटे से बातें करने लगी। बेटा पूरे 2 साल के बाद वापस घर आ रहा था। बूढ़ी माँ ने जैसे यह सुना तो फिर उसने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर यह खबर सबको सुना दी। यह सुनकर सब लोग बहुत खुश हो रहे थे कि चलो बुढ़ापा तो चैन से बेटे और बहू के साथ में गुजर जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद सिराज घर आ गया। माँ ने देखा कि बेटा तो अकेला ही घर आया है, तो यह देखकर बूढ़ी माँ ने पूछा, बेटे बहू साथ में नहीं आई? तो सिराज ने कहा कि माँ मैं तो आपको लेने आया हूँ, हमें अब जल्दी से यहाँ से वापस जाना है, इसलिए अब तुम्हें जो भी रुपया पैसा किसी से लेना देना हो वो जल्दी से लेकर अपने पास में रख लो, तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात कर लेता हूँ। यह सुनकर माँ ने हैरत से पूछा, बेटा मकान? तो वो कहने लगा कि हाँ माँ, अब यह मकान हमारे किस काम का है, अब हमें यह मकान बेचना पड़ेगा वरना अब इसकी देखभाल कौन करेगा, क्योंकि अब से हम सब तो दुबई में रहेंगे। तो यह सुनकर फिर बूढ़ी माँ ने मकान के कोने कोने को इस तरह से निहारा जैसे कि वो किसी मासूम बच्चे को सहला रही हो। फिर आनन फानन और औने पौने दाम में बेटे ने मकान को बेच दिया। बूढ़ी माँ ने अपना कुछ जरूरी सामान समेटा जिससे उसको बहुत ज्यादा लगाव था। तब तक बेटा एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी भी मंगवा चुका था। फिर एयरपोर्ट पहुंचकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ पर थोड़ी देर बैठो, मैं अभी अंदर जाकर सामान की जांच, बोर्डिंग और वीजा का काम निपटा आता हूँ, उसके बाद में तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माँ ने कहा कि ठीक है बेटा। फिर बूढ़ी माँ वहीं पास में एक बेंच पर बैठ गई। उसके बाद काफी वक्त बीत चुका था। बाहर बैठी बूढ़ी माँ बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिस दरवाजे से उसका सिराज अंदर गया था, लेकिन अभी तक वो वापस बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत ज्यादा भीड़ होगी, यह सोचकर बूढ़ी माँ की आंखें फिर से टकटकी लगाई दरवाजे की तरफ देखने लगी। अंधेरा हो चुका था, एयरपोर्ट के बाहर चहलकदमी भी काफी कम हो चुकी थी। तभी एयरपोर्ट में काम करने वाला एक कर्मचारी आया और कहने लगा, माँ जी आपको किससे मिलना है, मैं सुबह से देख रहा हूँ आप यहीं पर बैठी हो। तो यह सुनकर बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा मेरा बेटा अंदर गया है टिकट लाने के लिए, वो मुझे दुबई ले जा रहा है, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया है। यह सुनकर वो कर्मचारी कहने लगा, लेकिन माँ जी अंदर तो अभी कोई भी पैसेंजर नहीं बचा है और दुबई जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है। फिर वो कर्मचारी पूछने लगा, माँ जी क्या नाम है आपके बेटे का? तो इस पर बूढ़ी माँ ने घबराते हुए कहा, जी मेरे बेटे का नाम सिराज है। बूढ़ी माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उसके बाद एयरपोर्ट में काम करने वाला वो कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर के बाद में वापस बाहर आकर कहने लगा, माँ जी आपका बेटा सिराज तो दुबई जाने वाली फ्लाइट में कब का ही जा चुका है। यह सुनकर बूढ़ी माँ के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बूढ़ी माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। फिर किसी तरह रोती धोती वापिस अपने घर को पहुंची जो अब बिक चुका था, इसलिए फिर रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो बूढ़ी माँ को इस हालत में देखकर मकान मालिक को उस पर रहम आ गया, इसलिए फिर उसने बूढ़ी माँ को रहने के लिए एक कमरा दे दिया। शोहर की पेंशन से घर का किराया और घर का काम चलने लगा। इस तरह से फिर वक्त गुजरता चला गया। फिर एक दिन मकान मालिक ने बूढ़ी माँ से कहा, माँ जी आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर क्यों नहीं चली जाती हैं, क्योंकि अब आपकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है, आप कब तक यहाँ पर अकेली रह पाएंगी?
यह सुनकर बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा मैं चली तो जाऊँ, लेकिन जब कल को मेरा बेटा सिराज यहाँ पर आएगा तो फिर कौन उसकी देखभाल करेगा। बूढ़ी माँ के मुँह से यह सब सुनकर यकीनन आँखों से आंसू निकल पड़े। दोस्तों देखा आपने, एक बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ के साथ में क्या किया, कितना बुरा बर्ताव किया, फिर भी एक माँ की ममता अपने बेटे के लिए कम नहीं हुई। आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप अपने माँ बाप का कभी भी दिल ना दुखाना। दोस्तों इसी तरह से अब आपको बूढ़ी माँ का एक और वाकया बताते हैं, जिसको सुनकर भी आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। एक जगह पर मियाँ बीबी ईद की खरीदारी करने के लिए जा रही थी। सोहर जल्दी में था, इसलिए वो अपनी बीवी से कहने लगा, जल्दी करो मेरे पास वक्त नहीं है। यह कहता हुआ सोहर अपने कमरे से बाहर निकल आया, तभी घर के चौक में बैठी हुई बूढ़ी माँ पर उसकी नजर पड़ गई। कुछ सोचते हुए वापिस अपने कमरे के अंदर गया और अपनी बीवी से कहने लगा, बेगम क्या तुमने अम्मी से भी पूछा है कि उनको ईद पर क्या चाहिए। तो बीवी ने कहा कि नहीं पूछा, अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगा, दो वक्त की रोटी और कपड़े, इसमें पूछने की क्या बात है। यह सुनकर सोहर ने कहा कि ऐसी बात नहीं है बेगम, माँ पहली बार ईद पर हमारी घर पे आई है, वरना तो हर बार गांव में ही ईद मनाती है, इसलिए दिखावे के लिए ही सही, उससे पूछ लो। तो यह सुनकर बीवी ने कहा कि आपको इतना ही ज्यादा प्यार उमड़ रहा है तो फिर तुम क्यों नहीं पूछ लेती। इतना कहते हुए उसने अपने कंधे पर हैंड बैग लटकाया और तेजी से बाहर निकल गई। फिर बेटा बूढ़ी माँ के पास में जाकर बोला, माँ हम लोग ईद की खरीदारी करने के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको भी कुछ चाहिए हो तो बता दो। तो इस पर बूढ़ी माँ कहने लगी, नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बेटे के बार बार इसरार करने पर बूढ़ी माँ बोली कि ठीक है तुम रुको, मैं लिख कर दे देती हूँ, क्योंकि आपको बहुत सारी खरीदारी करनी है, कहीं तुम भूल ना जाओ। यह कहकर बूढ़ी माँ कमरे के अंदर गई और कुछ देर के बाद में आकर एक लिस्ट बेटे के हाथ में थमा दी। दोस्तों फिर आसिफ गाड़ी में बैठता हुआ बोला, देखो बेगम मैंने बोला था ना माँ को भी कुछ चाहिए होगा, बस वो बोल नहीं रही है। मेरे पूछने पर हाथ में उसने यह लिस्ट पकड़ा दी। यह सुनकर बीवी कहने लगी, लेकिन पहले मैं अपनी जरूरत का सारा सामान लूंगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट को देखती रहना। इस तरह से मियाँ बीवी बातें करते हुए बाजार में पहुँच गई। फिर पूरी खरीदारी करने के बाद में बीवी बोली, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे तो गाड़ी में एसी ऑन कर दो, मैं तो गाड़ी में बैठती हूँ और आप अपनी माँ का सामान खरीदती रहो। यह सुनकर सोहर ने कहा, देखूँ तो सही माँ ने क्या क्या सामान मंगवाया है। इतना कहते हुए उसने अपनी जेब से वो पर्ची निकाली। पर्ची को देखकर बीवी कहती है कि बाप रे बाप इतनी बड़ी लिस्ट, पता नहीं बुढ़िया ने क्या क्या मंगवाया होगा, क्या क्या लिखा होगा, और बनो अलादीन आप करते रहो अपनी माँ की फरमाइशों को पूरा। इतना कहते हुए बीवी गुस्से से सोहर को देखने लगी। इतने में लिस्ट को पढ़ते पढ़ते आसिफ की आंखों में आंसू आ गई और उसके हाथ हिलने लगी और पूरा जिस्म कांपने लगा। यह देखकर बीवी भी घबरा गई और कहने लगी कि ऐसा क्या मांग लिया है तुम्हारी माँ ने। इतना कहते हुए बीवी ने सोहर के हाथ से वो पर्ची छीन ली। दोस्तों वो लिस्ट देखकर बीवी भी हैरान रह गई, क्योंकि उस पर्ची में लिखा था, बेटा मुझे ईद पर तो क्या, मुझे किसी भी मौके पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम अगर जिद कर रही हो तो तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो मेरे लिए फुर्सत के कुछ पल ले आना। बेटा मुझे अब इस गहराते अंधेरे से बहुत डर लगता है, पल पल मेरी तरफ बढ़ती हुई मौत को देखकर मुझे बहुत डर लगने लगा है। मैं जानती हूँ कि मौत को टाला नहीं जा सकता, लेकिन अकेलेपन से बहुत घबराती हूँ। जब तक तुम्हारे घर में हूँ कुछ वक्त बैठा कर मेरे पास में, कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन, बिना दिया जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरी शाम। कितने साल हो गए हैं बेटा तुझे छुई हुई, एक बार फिर से आप मेरी गोद में सर रख दे और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को और मुस्कुराकर फिर मिलूं मौत के गले, क्या पता अगली ईद तक रहूं या ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते रजिया भी रो पड़ी। दोस्तों असल में माँ ऐसी होती है। याद रखें आप अपने घर के उन बड़े दिल वाले लोग जिनको आप बूढ़े या बुढ़िया की श्रेणी में रखते हो, वो आपकी जिंदगी की रोशनाई है। अल्लाह के वास्ते आप उनकी देखभाल करें। यकीन मानिए आपके भी बूढ़े होने के दिन नज़दीक है, आप उसकी तैयारी आज से ही करना शुरू कर दो। इसमें कोई शक नहीं कि आपके अच्छे बुरे काम देर सवेर आप ही के पास में लौट कर आने हैं, इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है आप अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत जरूर करें।